नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद के गांव बरसीन के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और फतेहाबाद के डीसी को मांग पत्र सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके गांव में बने सरकारी स्कूल में पिछले कई महीनों से अध्यापक नहीं है। 240 के करीब बच्चों पर केवल 2 अध्यापक हैं, जिनमें से साइंस और गणित के अध्यापक की तैनाती स्कूल में नहीं की गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि गणित और साइंस महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं, लेकिन उन अध्यापकों की तैनाती न होने के चलते उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बताया कि इस मामले को लेकर वे कई बार फतेहाबाद के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। यही कारण है कि आज स्कूल के बच्चों को साथ लेकर पूरे गांव के लोग शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और फतेहाबाद के डीसी को मांग पत्र सौंपने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द अध्यापकों की तैनाती उनके स्कूल में नहीं की गई तो ग्रामीण लघु सचिवालय डीसी कार्यालय के बाहर धरना लगाकर बैठ जाएंगे। फिलहाल ग्रामीणों ने मांग पत्र डीसी को सौंप दिया है और आश्वासन भी मिल गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक गांव के सरकारी स्कूल को अध्यापक मिल पाते हैं। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता ईशान रुखाया की रिपोर्ट। हमारा मामला जी, हमारा काम बरसीन है, फतेहाबाद का लगता ही है। 10वीं तक का स्कूल है और स्कूल में स्टाफ बहुत कम है। इसमें हिंदी, मैथ और साइंस के टीचर नहीं है, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो पेपर एग्जाम तो नज़दीक आ गए, लेकिन स्टाफ शुरू से नहीं है। हम कई बार DO से मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं, DC साहब से मिले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो आज हम इसलिए इकट्ठे होकर के आए हैं ताकि ये प्रबंध किया जाए और बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा जी आपको? हाँ जी, बिल्कुल मजबूर होना पड़ा जी। हम पहले कई बार काफ़ी आदमी आके मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कितने समय से नहीं है टीचर जी? ये क्लास स्टार्ट हुई है जब के नहीं है। बात ये है जी, महीने से बरसीन के बच्चे और बरसीन गांव के ग्रामीण हैं और हमारे साथ, हम भी इनके साथ लगातार आ रहे हैं। DC से और DO से लगातार हमारी बातचीतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन एक लारे लप्पे देखकर इनको यहां से भेज देते हैं। लेकिन बोलते हैं 2 दिन में टीचर आ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर टीचर आ जाएंगे, कोई टीचर नहीं भेज रहे हैं। और सरकार जो वादा कर रही है, बोले 4:30 बजे बच्चों को जगाकर हम पढ़ाएंगे, लेकिन रेगुलर में तो टीचर नहीं है। सुबह उठाकर क्या कराएंगे उन बच्चों को? सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। वो 2 टीचर आए हैं, उनकी भी लगातार ट्रेनिंग के नाम पे उन टीचरों को बुला लेते हैं। बच्चों के पास कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। मैथ और साइंस अपना मेन सब्जेक्ट है, उनका टीचर नहीं है। पेपरों का 1.5 महीना नहीं हुआ, बच्चे क्या लिखेंगे? कितने बच्चे हैं स्कूल में? अगर स्कूल के अंदर 200-250 बच्चे हैं, 200+250 के करीब है जी। टीचर स्टाफ 2 ही है जी? स्टाफ 2 ही है जी, इतने बच्चों के अंदर 2 टीचर है। देखो जी, कौन कौन सी कक्षाएं लगती हैं जी उसमें? 6 से लेकर 10th तक जी 2 टीचर है। वो भी एक तो इंग्लिश का भी टीचर आया है जी, एक संस्कृत का टीचर, और टीचर ही नहीं है जी। उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई तो क्या कहते हैं जी? उच्च अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, ये कह रहे हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? जिले का मालिक बैठा है। हम पहले आए थे, बोले आपका 2 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा, हमने यहाँ धरना लगाया। हम सोच रहे हैं जिले का मालिक हमारे को बोल रहा है तो टीचर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारे बरसीन के स्कूल के अंदर टीचर नहीं पहुंचे हैं। आज मांग पत्र देने पहुंचे, ये आज हम मांग पत्र भी देने आए और यहाँ बैठने के लिए हमारे से DC बातचीत करें। और ये हम गांव के अंदर एक मीटिंग करके फैसला लिया है, अगर हमारे गांव के अंदर कल टीचर आ जाते हैं या 1-2 दिन के अंदर नहीं जाते हैं तो हमारा पक्का परमानेंट धरना। पूरा स्कूल और गांव के लोग, सरपंच और मेंबर है और पार्षद है, वो सारे इकट्ठा होकर गांव में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार गांव के स्कूल के आगे धरना दिया जाएगा और इस सारी प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।